हेलो जी मैम प्रणाम। हाँ बोलिए मैम। अब आप एचई मैनेजर बोल रहे हैं वैशाली से? हाँ बोल रहे हैं। मैम बोल रहे थे कि जो हम लोग जो कार्यपालक सहायक से हैं, हम लोग मुज़फरपुर पैनल से बोल रहे हैं। मतलब हम लोग का जो 27वीं बैठक का जो लेटर जो प्रोसीडिंग आया था, उसके बाद हम लोग का ऑर्डर लेटर भी आ चुका है। तो वही हाँ वो लेटर मैंने देखा है। देखिए बात है कि यहाँ जो डीपीएसएम से बहाली होती है ना, वहाँ आरटीपीएस, पीपीजीआरए और एचसीएस के वेलफेयर ऑफिस 3 डिपार्टमेंट में होती है। तो कोई खाली नहीं है ना बिहार, यहाँ वैशाली में एक वेलफेयर ऑफिस में खाली है। तो यहाँ जो पहले से वशिष्ठ और रोहित कुमार है, इन लोगों का शायद वहाँ डिप्यूट होंगे, क्योंकि उन लोगों का पहले से जॉब हो रखा है और उन लोगों को डेली वेजेस पे, मतलब उन लोगों का जॉब हट गया था और उनको डेली वेजेस पे दूसरे डिपार्टमेंट में रख के काम करवाया गया। तो उनके साथ तो गलत हुआ है, तो शायद उनका वहाँ होगा, आप लोगों का तो नहीं होगा। हाँ और समस्तीपुर में तो खाली है। समस्तीपुर मैम, लेकिन मैम समस्तीपुर हम लोग का जो जैसे जो मुज़फ्फरपुर का है, जो उस पर मंडल वाइज में उसमें कमिश्नर में नहीं पड़ता है, इस वजह से हम लोग वहाँ अटेम्प्ट नहीं करना चाह रहे हैं। मतलब वहाँ नहीं जा रहे हैं। वहाँ मधुबनी का शायद वहाँ पैनल लेगा, वहाँ जैसे बात हुआ। तो आपके इस पैनल से पंचायती डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। हाँ पंचायती मेन तो मैम पंचायती के लिए ही है ये पैनल। तो ये पंचायती डिपार्टमेंट में ना IT मैनेजर का कोई रूल नहीं होता है। यहाँ सब पंचायती विभाग में जो सर है ना, वहाँ तो बहुत पोस्ट खाली है। 263 पोस्ट खाली है। 228 मैम। हाँ तो वहाँ हम लोग का नहीं है कोई मतलब रोल वहाँ कैसे डिस्प्यूट करना है। तो पंचायती विभाग के जो है ना संजीव कुमार सिंह नोडल, उनसे पूछिए, नहीं तो कार्मिक में एक मोहन जी बैठते हैं, उनसे पूछिए। क्योंकि IT मैनेजर तो हम लोगों का मेन 3 काम होता है। पहला तो एसेट डिक्लेरेशन, फिर RTPS, फिर लोक शिकायत, और अब हम लोगों को HRMS में भी डाल दिया गया है। लेकिन यही सब है। पंचायती डिपार्टमेंट तो उसके अलग है ना संजय कुमार सिंह जी। जी मैम वो अलग है। मतलब हम 2 दिन डिस्कस करेंगे। हम 2 दिन पहले गए थे वैशाली डिस्ट्रिक्ट में, तो आप उस दिन शायद नहीं आई थी। मतलब खैर अब थोड़ा भेंट मुलाकात हुई, थोड़ा इस मैटर से अवगत होना चाह रहे थे। लेकिन खैर उस दिन हमको बोला गया था कि आप रिक्ति ना वो जिला पंचायत पदाधिकारी है उनसे जाके भेंट करके रिक्ति जो भी है आवंटन वहाँ पे भेजवाइए स्थापना में। उसके बाद जो भी सीट आएगा, 288 सीट है, तो वहाँ पे जैसे जैसे जो होगा उसके बाद नियोजन जल्द से जल्द किया जाएगा। तो हाँ क्योंकि दूसरे संघ से लेटर भी निकला है आप लोगों के बहाली का। जी मैम के अंदर में है ना। जी तो सर से मिले आप? सर से नहीं मिले हैं। मतलब आज हम लोग आने वाले हैं वैशाली डिस्ट्रिक्ट में, तो मतलब थोड़ा हम आपसे थोड़ा वो चीज रूबरू, थोड़ा इससे संबंधित कुछ सोचे। मतलब वो चीज हम थोड़ा और कुछ हो तो मैम हम लोग को इस चीज में कोई आइडिया नहीं। थोड़ा इसमें अगर कुछ हो तो हम लोग को थोड़ा मार्गदर्शन के रूप में आप थोड़ा बता सकते हैं, दे सकते हैं? देखिए हाँ मार्गदर्शन तो ठीक है। एक स्थापना में मोहन जी बैठते हैं, उनसे पूरा मार्गदर्शन ले लीजिएगा। स्थापना देखिए है ना। जी हाँ स्थापना ऊपर में है मैम, कॉर्नर में। मोहन जी या मुकेश जी, इन लोगों से पूछ लीजिएगा सर से क्या बात करना है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सारा चीज। जी और क्योंकि सर थोड़े मतलब वो है तेरे हैं, तो अच्छे से बात कीजिएगा। देखिए आप लोग क्यों नहीं, जब सीट खाली है तो होगा ही, क्यों नहीं होगा। जी और वैसे मुज़फ्फरपुर से भी हम बातचीत कर लिए। वहाँ से DM और जो भी स्थापना में, वहाँ बोला गया कि जैसे ही हमको वैशाली डिमांड करेगा यूँ हम बना के हम सब चीज़ जैसे जिस कैटेगरी से है वो मांगेगा, वो बना के हम भेज देंगे तुरंत। तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम वैशाली में जाके थोड़ा इस सब सिलसिले में थोड़ा। हाँ सर से बात कीजिए, डायरेक्ट कीजिए। हम लोगों से बात करने से कोई फायदा नहीं है। सर डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर, तो वही मतलब क्या कहते हैं, आप लोगों को डिस्प्यूट करने का अधिकार उन्हीं का है, तो वही करेंगे। आप एक बार उनसे बात कीजिए, मिलिए। अगर वो अपने चैम्बर में नहीं रहते ना, तो नीचे NIC देखे है ना, वहाँ बैठे रहते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम इसके लिए। ठीक है।